आदाब नमस्कार, सहारनपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मोहम्मद शौकीन, पेश है आज के मुख्य समाचार। शाहजहांपुर चिलकाना मार्ग पर देर रात बदमाशों ने किया दो युवकों का अपहरण, एक की हुई मौत। पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मांगों को लेकर जुलूस निकालकर किया जोरदार प्रदर्शन। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में आईटीसी मिशन सुनहरा कल व आदर्श युवा समिति द्वारा किया गया रोजगार मेले का आयोजन। टीवी खोजो अभियान के अंतर्गत पत्रकारों से वार्ता करते हुए सीएमओ बीएस सोडी ने दी जानकारी। मांगों को लेकर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने सौंपा नगर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य योगेश दहिया ने प्रभुजी की रसोई में सौंपा आरओ। और अब खबरें विस्तार से। शाहजहांपुर चिलकाना मार्ग पर देर रात हैदरपुर पुलिया के पास चार बदमाशों ने बाइक से अपने गांव जा रहे दो युवक अरशद व उस्मान का अपहरण कर लिया और जंगल में ले गए, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस में हड़कंप मच गया और पुलिस ने ग्रामीणों के साथ मिलकर कॉम्बिंग शुरू कर दी। इस दौरान बदमाश दोनों युवकों को घायल अवस्था में छोड़कर फरार हो गए। तत्काल दोनों घायल युवकों को अस्पताल लाया गया, जहाँ पर एक युवक की मौत हो गई। कॉम्बिंग के दौरान पुलिस ने एक बदमाश को भी गिरफ्तार किया है। कल रात पुलिस को सूचना दी गई कि दो व्यक्तियों का अपहरण हो गया है, जिस क्रम में पुलिस ने उनके रिश्तेदारों के साथ मिलकर के जहां जहां स्थान संभावित स्थान थे वहां पर सर्च किया गया। बाद में सूचना मिली कि कुछ बदमाश और अपहरित जो हैं वो खेत में छुपे हुए हैं, जिस क्रम में उसकी भी कॉम्बिंग कराई गई। दोनों अपहरित छुड़ाए गए हैं, परंतु उसमें एक को बचाया नहीं जा सका, उसकी मृत्यु हो गई है। परिवार वालों की तरफ से मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है, इसमें FIR दर्ज करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें एक बदमाश जो है उसको मौके से हिरासत पे भी लिया गया है, उससे पूछताछ जारी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने की मांग व गन्ना भुगतान की मांग को लेकर आज पश्चिमी प्रदेश मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने अध्यक्ष भगत सिंह वर्मा के नेतृत्व में जुलूस निकालकर घंटाघर पर जोरदार प्रदर्शन किया और जिला मुख्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा। किसी को भी शेर को कभी शेर को अभी आप सब लोग जा रहे पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा, पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा, सभी से आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जा रहे और जब तक यहाँ कोई अधिकारी नहीं आता हमसे वार्ता नहीं करता, गन्ने के भुगतान को नहीं गिराता, तब तक यही हम लोग चले रहेंगे। तो पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा, पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में आज आईटीसी मिशन सुनहरा कल व आदर्श युवा समिति द्वारा रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन जिला अधिकारी आलोक पांडे ने किया। मेले में 25 कंपनियों संस्थाओं ने लगभग 1500 प्रतिभागियों का साक्षात्कार कर रोजगार के अवसर प्रदान किए। कल आदर्श युवा समिति और क्षेत्रीय सेवा आयोजन कार्यालय के संयुक्त तत्वावधान में लगा हुआ ये रोजगार मेला, इसमें लगभग 1500 प्रतिभागी आज हिस्सा ले रहे हैं और 24 कंपनियां आई हुई हैं
इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो जो भी योग्य व्यक्ति ने अपना पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया है या नहीं कराया है वो इस मेले में आके अपने रोजगार संबंधी अपने विवरण यहाँ पे दें और उसमें अपना चयन हेतु प्रयास करते हैं। धन्यवाद। टीबी खोजो अभियान के अंतर्गत आज जिला अस्पताल में पत्रकारों से वार्ता करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी बी एस सोडी ने बताया कि टीबी खोजो अभियान 4 सितंबर से 14 सितंबर तक चलेगा, जिसमें 3-3 सदस्यों की टीम घर घर जाकर टीबी के लक्षणों के बारे में पता करेंगी। लक्षण पाए जाने पर रोगियों की मुफ्त जाँच व इलाज कराया जाएगा। पता चलता कि हमें टीबी हो गई है तो वो बहुत लेट हो जाते हैं और उनकी हालत भी गंभीर हो जाती है, इसलिए अर्ली डिटेक्शन हमने कर लिया और मालिक ने चाहा तो वो बहुत जल्दी ठीक भी हो जाएंगे। 6 महीने के अंदर उन्हें ये नहीं कोई भी निशान तक नहीं मिलेगा उनके एक्सरे में कि उन्हें कभी टीबी थी। इस प्रोग्राम का यही बेसिक लक्ष्य है कि हम अर्ली से अर्ली उस केस को डायग्नोज कर लें और उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर वे में हो जाए तो वो सारी ज़िंदगी भर विदाउट कॉम्प्लिकेशन से अपना ज़िंदगी गुजार सके। विभिन्न मांगों को लेकर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जिला मुख्यालय पहुंचे और एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपकर मांगों के जल्द निस्तारण की मांग की। चाहिए हर कॉलेजों में छात्रावास की बनने चाहिए, जो कि छात्रों की अपेक्षा जितने बच्चे हैं उनको सबको छात्रावास मिलने चाहिए और इससे उसमें ज्ञापन दिया है। चाहिए हर कॉलेजों में छात्रावास की बनने चाहिए, जो कि छात्रों की अपेक्षा जितने बच्चे हैं उनको सबको छात्रावास मिलने चाहिए और इससे उसमें ज्ञापन दिया है। एरोन एजुकेशन सोसाइटी के प्रयास से आज प्रभुजी की रसोई में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य योगेश दहिया ने एक आरओ भेंट किया। तो आज वो आरओ लेके स्वयं उपस्थित हो गए, कितनी बढ़िया बात है, कितनी अच्छी बात है और मैं समझता हूँ कि आज के बाद हमें और बिल्कुल शुद्ध पानी है इन सबको और हम सबको मिलेगा। ये हमारी लोग उस योगेश दहिया जी को जो एक वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता है और जितने भी इस शहर में मैं देखता हूँ वोटिंग दे के मैं हैरान होता हूँ, पढ़ेंगे तो आपके बहुत काम आएगी, महापुरुषों के अनमोल वचन है और बहुत सारी चीजें इसमें अच्छी है, मेरे द्वारा ही संकेत है कि हम लोग प्रभु की रसोई में सेवा और मैं इसे प्रभु की इच्छा ही मानूंगा कि आगे निरंतर जैसा आदेश हुआ है मुझे नमस्कार, मेरा नाम रश्मि कैरन से आज प्रभु जी की रसोई में एरोन एजुकेशन की टीम ने भैया जी के स्पॉन्सर से एक आरओ गिफ्ट किया है जो भैया जी ने बखूबी खुद अपने हाथों से यहाँ पे दान दी और उनकी सेवा भाव भी किया है। आज भैया जी अपनी तरफ से यहाँ पे उनकी सेवा करना चाहते थे इसलिए खुद आए और साथ में एरोन एजुकेशन टीम उनके साथ है और हमेशा ये कहते हुए कि हम हमेशा इस तरह के कार्य करते रहेंगे और स्पॉन्सर्स के साथ प्रभु जी की रसोई में जुड़ते रहेंगे ताकि रसोई 12 महीने हर साल पूरे साल चलती रहे और यहाँ पे लोगों की सेवा होती है। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।